हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसे दिग्गज शेयर से रिलेटेड बातें करने वाली हूँ जिसने लगभग 42 टाइम्स डिविडेंड दिया है, एज वेल एज उस कंपनी ने 8 टाइम्स आपको बोनस दिया है, एक टाइम इसका शेयर स्प्लिट भी हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है। आइए इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। बैलेंस शीट एक नंबर है, करोड़पति बनाया है अपने शेयरों, केवल 10,000 रुपये के करोड़ों रुपये बनाया है इस कंपनी ने, इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। आई और बट इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आपके सामने मैं पेश करता रहूँ। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं बैलेंस शीट के साथ। रिजर्व्स देखिए, 60,105 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व, काफ़ी बेहतरीन, ओके, मजबूत। लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग किसी भी तरीके का कर्जा नहीं, ये जीरो, एकदम डेट फ्री कंपनी। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, ओके, 4,006 करोड़ रुपीज़ के करंट इन्वेस्टमेंट, एज वेल एज कैश इक्विवेलेंट की बात, 13,562 करोड़ रुपीज़ के, 13,562 करोड़ रुपये के केवल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कितनी मजबूत इसकी बैलेंस शीट है आप खुद देख सकते हैं। कंपनी जब चाहेगी तब आपको बोनस दोबारा दे सकती है। देखिए, बोनस की बात की थी मैंने, कितनी बार बताया था, 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स बोनस कब से देती आ रही है, 1994 से लेके 2018 तक बोनस 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 हमेशा बोनस देती आ रही है। और किस तरीके के से इसने 10,000 रुपये के कितने करोड़ रुपये बनाए विद प्रूफ आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। डिविडेंड की बात की जाए तो देख लीजिए, ओके, लगभग 42 टाइम्स डिविडेंड आप देख सकते हैं, बैक टू बैक डिविडेंड्स। एज वेल एज वैल्यू की बात किया है, 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, एक बार इसने स्प्लिट भी किया है तो 5 रुपये का भी इसका फेस वैल्यू है। अब बात करते हैं कितने रुपए इसने कितने रुपए बनाए। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं सीधे, 1994 में इसने पहले एक बार इसने बोनस दिया था, ओके, अगर किसी के पास केवल 100 शेयर इसने खरीदे होंगे किसी ने, ओके, 100 शेयर खरीदे होंगे तो कितने रुपए बन गए होंगे, आज की डेट में कितने शेयर हो गए होंगे वो देखते हैं। देखिए 1994 में एक 100 शेयर था तो 1:1 का बोनस, 200 शेयर हो गए, फिर 1:1, ओके, 400, फिर 1:1, 800 शेयर, ओके, फिर इसके बाद फेस वैल्यू इनकी 10:5 में जो मैंने दिखाया था स्प्लिट हुआ था, ओके, तो 800 के कितने हो गए, 1600, ओके, फिर 3:1 का, ओके, 1600 मतलब 6400, और फिर उसके और फिर बोनस दिया है 1:1 का 12,800, फिर बोनस 25,600, फिर बोनस 2015 में, ओके, 51,200, ओके, बट ये 2015 पे, ये पुराना है तो इसलिए मैं आपको और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि लास्ट जो इसने बोनस दिया है कब दिया है देख लीजिए, 2018 में, ओके, 15 के बाद 18 में एक बार और बोनस दिया है। तो एक बार और बोनस दिया तो इसके शेयर क्या हो गए, दुगने हो गए। तो देखिए कितने हो गए, 1,24,000 के अबाउट, ओके, इतने ही इनके शेयर हो गए। और आज की करंट वैल्यू क्या चल रही है इस शेयर की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 1,100 रुपये, ओके, 1,100 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो आप, यहाँ पर देखिए आप मल्टीप्लाई किया तो कितने रुपये हो गए, तो आप खुद देख लीजिए, लगभग 11,26,40,000 रुपीज़, कितना, 11,26,40,000, इतने तो इसके 11 करोड़, मतलब 11 करोड़ पकड़ लिया, 11 करोड़ रुपए तो केवल 100 शेयर के इनके हो गए। तो कितनी बेहतरीन ये बैलेंस शीट है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए, सॉरी, इतने पैसे इस कंपनी ने बना के दिए है। कंपनी का नाम आपको पता चल गई, इन्फोसिस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए, बैक टू द एनुअल कैलकुलेशन, जाए वन हैड इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज़, अगर किसी ने केवल 10,000 रुपये और बॉट नियरली 100 शेयर, ओके, अगर किसी ने 100 शेयर या 10,000 रुपये इन्वेस्ट 1993 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, ओके, तब किए थे, ओके, तो ये छोड़ दीजिए, ये पुराना डेटा है, तो कितने रुपये हो गए होंगे, 11,26,40,000 रुपये यहाँ पर हो गए होंगे। तो कितना अच्छा शेयर है। इसके अलावा ये कंपनी ने कम से कितनी 10 से 11 कंपनियों को एक्विजिशन की जा रही है, मतलब कल की डेट में भी इसने एक एक्विजिशन किया है, देख लीजिए,
कल की डेट में कितनी किसी एक एक कंपनी है ब्लू एक्ॉन को तो लगभग कितने 125 मिलियन डॉलर में इसने फिर एक्विजिशन किया है। 2003 से एक्विजिशन करती जा रही है और लगभग लगभग 10, 11, 12 कंपनीज को ये एक्वायर कर चुकी है आज तक की डेट में। एक्विजिशन करती जा रही है, मजबूत बैलेंस शीट, ओके, एज वेल एज आपके 10,000 रुपये आपके 100 शेयर को 1 लाख कुछ शेयर में बदल दिया और प्लस में 11 करोड़ रुपीज़ की आज की मार्केट वैल्यू है। और ये कंपनी का रहा है कि जब भी ये कंपनी 1200 रुपये या 1300 रुपये के अबाउट आती है फिर बोनस देती है। तो ये कंपनी का बिजनेस इतना बेहतरीन चल रहा है कि अभी कितने पे खड़ी है, 1100 रुपये पे खड़ी है। तो मेरे को लगता है कि अभी इनका रिजल्ट भी आने वाला है, 14 तारीख को इनका रिजल्ट है मंगलवार को, तो रिजल्ट अच्छे तो आने ही है, आईटी कंपनी है, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो शायद आपको एक बोनस और मिल जाए। और जब ये 11 करोड़ रुपये, ओके, तो ये आपके जो 1 लाख शेयर हुए थे वो 2 लाख हो जाएंगे, ओके, और 2 लाख मल्टीप्लाई कर लीजिएगा करंट वैल्यू से, तो आपको कितने रुपए होंगे आप खुद सोच लीजिएगा, कितना पैसा आपको बना के इस कंपनी ने दिया। तो ये कंपनी के बारे में बात कर रहा था। इन्फोसिस आज भी देखिए 1% का अप है, ओके। ईयर टिल डेट की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव हर पैरामीटर पे पॉजिटिव, ओके, लगभग लगभग डबल करके दिए इसने पैसे, ओके, 100% तक के रिटर्न, आप कह सकते हैं 110% के रिटर्न, ओके, आप देख रहे हैं 110% के रिटर्न, ओके, विद इन 6 to 7 months जब मार्केट कोलैप्स हुई थी तब से दे दिए हैं। एज वेल एज मैक्सिमम की बात की जाए तो आप 95 पैसे का ये शेयर 1996 में मिल रहा था, 95 पैसे का, और अभी देखिए तो 1107, ओके, इतने पे शेयर चल रहा है। बट इसे मत देखिए क्योंकि इसका प्राइस अगर वैसे बोनस प्लेट वगैरह कुछ नहीं देता तो लाखों में ये शेयर होता, हम लोग खरीद भी नहीं पाते, बट आपको लाखों की चीज़ हज़ारों में मिल रही है तो खरीदने में क्या हो रहा है। एक्विजिशन और ये आईटी कंपनी इतनी बेहतरीन आईटी कंपनी है, ओके, ये टीसीएस को भी जिस कभी भी पीछे छोड़ सकती है, मुझे पूरा भरोसा है कभी भी छोड़ सकती है, ओके। यहाँ पर देखिए कितने परसेंट के रिटर्न, 1,16,484, ओके, इतने परसेंट के इसने रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो क्यों ना ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। आप भी आज आपके पास अगर लाखों रुपए है तो अभी आप इन्वेस्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए 20-25 साल के लिए, करोड़ करोड़ों में 1 लाख रुपए कितने करोड़ में बदल जाएंगे आप खुद सोच लीजिएगा, ओके। इसके अलावा इस आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, 509 रुपये का शेयर, ओके, 52 वीक लो है इसका, 1124, और आज की डेट में लगभग 40% की डिलीवरीज उठाई गई है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो देखिए ये शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको दूसरा दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए 2020 में भी 9 रुपये, और अभी इनकी मीटिंग है शायद डिविडेंड एज वेल एज कुछ अलग भी आपको मिल जाए, जैसे टीसीएस ने बाईबैक दिया है, ये आपको कंपनी कुछ और आपको प्रोवाइड कर दे। प्रमोटर स्कीम में किसी भी तरीके का डेट नहीं, किसी भी कोई भी शेयर किसी उन्होंने अपने प्लेज नहीं किया है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रमोटर्स के पास 13.15% की हिस्सेदारी है जिसमें से फॉरेन इन्वेस्टर और 30.47 रखते हैं, कोई भी इसमें प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ा दी है 13.83, इंश्योरेंस कंपनी ने हिस्सेदारी बढ़ा दी है 11.43, अदर DIIs ने थोड़ी सी घटाई और नॉन इंस्टीट्यूशन ने घबरा गई, नॉन इंस्टीट्यूशन घटा देते, रिटेल इन्वेस्टर घटा देते, जो करोड़पति बनाने की चीज़ है उसमें घटा देते। और ये कंपनी नीचे जाती है सब स्टॉक की तरह, जैसे जाते हैं मार्केट गिरेगी तो ये भी जाएगी, बट डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट एट लास्ट प्रोवाइड करके जाएगी। और इसकी बैलेंस शीट तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई है, 13,000 करोड़ के इसके पास बैंक कैश है, इसके अलावा 60,000 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हैं। तो क्यों नहीं ये भागेगी ये कंपनी, और जब भी चाहेगी आपको तब तब बोनस दे देगी। डिपेंड करता है आपके इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, बट डेफिनेटली ये कंपनी डिजर्व करती है। और आईटी कंपनी जिस तरीके से चल रही है, टीसीएस बायबैक ला रही है, विप्रो ने भी कह दिया बायबैक, ये कंपनी भी बोनस प्लेट या कुछ भी ये ला के अपने शेयर होल्डर्स को खुश कर देगी, ओके। और 1300 1200 1300 रुपये पर जब भी कंपनी आती है डेफिनेटली देती है। और मुझे लगता है कि अभी जिस हिसाब से अभी 1107 जिस हिसाब से बढ़ रही है, ओके, ट्यूसडे तक ये कंपनी शायद 1200 तक भी पहुंच जाए, इसमें कोई दोराय नहीं है जब तक इसके रिजल्ट आएंगे। तो ऐसी कंपनी पे आप नज़र रखिए, एक्विजिशन करती जा रही है, एक्विजिशन करती जा रही है, इन्वेस्टमेंट करती जा रही है, सब कुछ इस कंपनी का बेहतर है। तो इस कंपनी पे नज़र रखिए, करोड़पति बनाने वाली कंपनी है, कोई भी शेयर खरीदे या मत खरीदिए, इन्फोसिस को रख लीजिए अपने शेयर अपने वॉच लिस्ट में एज वेल एज अपने पोर्टफोलियो में। आपको आने वाले 15-20 साल में जब आप देखेंगे, जब आप बड़े और एडल्ट हो जाएंगे, ओके, आज से इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसमें SIP भी करते रहिए इसमें, तो आपके करोड़ों रुपए आपका इकट्ठा हुआ नजर आएगा।
सो जैसे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, ओके शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो ओके आपके पास मैं हमेशा पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।